B12 की गोलियां और डॉक्टरों के चक्कर बंद हो जाएंगे अगर आप एक बार ये सुपर डुपर हेल्दी लड्डू बनाएंगे। जिन लोगों को माइग्रेन, सर्वाइकल, हड्डियों में दर्द रहता है उनके लिए तो ये बहुत ही चमत्कारी लड्डू हैं और घर में हर कोई इसे ले सकता है। और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए तो ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद होंगे। आप इसे एक बार बनाइए और इसे स्टोर भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, गौरी किचन डिलाइट में आपका स्वागत है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुपर हेल्दी, टेस्टी और इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं फूल मखाना यानी लोटस सीड्स और इसी के साथ 2 कप रोस्टेड चना। रोस्टेड चने में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाते हैं और ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। अब एक पैन लेंगे और उसमें लो से मीडियम फ्लेम पर सबसे पहले ये मखाने को रोस्ट करेंगे। आपको कोई भी घी या तेल इसमें नहीं ऐड करना है, बस इसे ड्राई रोस्ट करना है। जब तक कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज ना हो जाए और ये क्रिस्पी ना हो जाए तब तक आप इसे रोस्ट करते रहिए। मखाना में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन, फाइबर और विटामिन्स पाए जाते हैं। ये विटामिन बी का अच्छा स्रोत माने जाते हैं और ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत रखने में मदद करते हैं। मखाने अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब मैं इन्हें साइड पर एक बड़े परात में निकाल लूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। परात मैंने इसलिए ली है क्योंकि हमें जो जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए लड्डू बनाने के लिए वो सब हम इसमें इकट्ठा करते जाएंगे। अब इसी पैन में हम लेंगे रोस्टेड चना जो कि मैंने 2 कप लिया था। बस इसे ज्यादा देर तक गैस पर नहीं रखना है, बस इसे हल्का सा गर्म करना है ताकि इसे पीसने में आसानी हो। रोज एक लड्डू खाने से जिन लोगों को बैक पेन, सर्वाइकल पेन, लेग्स पेन, एड़ियों में दर्द हो तो इससे उनको बहुत ही राहत मिलेगी। आप बस इस रेसिपी को इसी प्रकार फॉलो कीजिए। अब मैं चने को भी इसी रात में निकालूंगी और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। अब मैं यहाँ पर 1/2 कप बादाम लूंगी सेम इसी पैन में। इसे भी हम ड्राई रोस्ट करेंगे, इसमें कोई भी घी या तेल यूज नहीं करेंगे। बादाम में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। इसे खाने से हमें अनगिनत फायदे मिलते हैं। आप गूगल करके इसे देख सकते हैं क्योंकि इसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। अब बस इसे थोड़ा टाइम ड्राई रोस्ट करना है ताकि ये क्रंची से हो जाए और अब हम इसे सेम परात में निकालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो हम कुछ बीज लेंगे, जैसे सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून वाटरमेलन सीड्स। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं और हमें सर्दी, खांसी, जुकाम आदि से बचाते हैं। और इसके साथ ही हम 2 चम्मच लेंगे मगज के बीज। और मगज के बीज के बाद मैं इसमें 1/4 कप पोस्ता दाना यानी खसखस यानी कि पॉपी सीड्स ऐड करूंगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपको नहीं लेना तो आप स्किप भी कर सकते हैं। ये हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं और कैल्शियम और मिनरल से भरपूर होते हैं। ये हमें हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। बस इनको हल्के से रोस्ट करना है ताकि थोड़े इससे क्रंची और क्रिस्पी हो जाए और आसानी से इन्हें हम पीस सके। बस इन्हें लो से मीडियम फ्लेम पर हमें ड्राई रोस्ट करना है और हल्का सा कलर चेंज होते ही इन्हें हम सेम परात में निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे और इससे हम बनाएंगे बढ़िया से लड्डू। अब हम सारे मिक्सचर को बारीक पीस लेंगे और मिक्सी को हमें पल्स पर चलाना है यानी कि बीच में रोक रोक कर हमें मिक्सचर को बारीक पीसना है क्योंकि जो मखाने हैं वो जल्दी से पिसते नहीं हैं और उनके छोटे छोटे टुकड़े से बच जाते हैं तो उन्हें हमें बिल्कुल बारीक पीसना है। अब हम सारे मिक्सचर को पीस कर परात में निकाल लेंगे। आप इस मिक्सचर को प्रोटीन पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों के ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। कई बार बच्चे लड्डू खाना नहीं लाइक करते तो उन्हें दूध के साथ भी आप दे सकते हैं और जिम जाने वाले भी अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो ये प्रोटीन पाउडर आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। और अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आप पानी के साथ भी इसे ले सकते हैं। अब इस रेसिपी में हम गुड़ या चीनी का यूज नहीं करेंगे, हमें लेना है खजूर। खजूर हमारी बॉडी को विंटर्स में गर्म रखता है और हमें कई तरह की बीमारियों से भी बचाता है। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए भी खजूर का सेवन बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। मैंने यहाँ पर बिना बीज के खजूर लिया है। अगर आपके पास बीज वाले खजूर हैं तो आप पहले बीज को अलग कर दीजिए और उसे मैंने इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम खजूर लिया है। बस खजूर को हमें थोड़ा सा गर्म करना है क्योंकि गर्म करने से ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे और आप इन्हें इजी से मैश कर सकते हैं।
ये देखिए खजूर कितने सॉफ्ट हो चुके हैं और ये आपस में जुड़ने लगे हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। अगर आप इन्हें डायरेक्ट मैश नहीं करना चाहते तो आप इन्हें ग्राइंडर में हल्का सा क्रश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे ग्राइंडर में क्रश कर रही हूँ ताकि ये जल्दी से जो मिक्सचर हमने पहले बनाया हुआ था उसमें मिक्स हो जाए और हम बढ़िया से लड्डू बना पाए। अब खजूर को हम मिक्सचर में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच देसी घी। आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते। अगर आप इसे स्टोर नहीं करना चाहते तो बिना देसी घी के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप घी इसमें ऐड करेंगे तो आप इसे 2 या 3 महीने तक आराम से स्टोर भी कर सकते हैं। मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है और इसकी बाइंडिंग भी अच्छे से हो रही है। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हाथ में लेके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब ये देखिए दोनों हाथों की हेल्प से आप इसे ऐसे ही बढ़िया से लड्डू बना सकते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं और देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम मुंह में घुल जाने वाले। मैंने अपने चैनल पर इम्यूनिटी बूस्टर लड्डू की पहले भी एक रेसिपी डाली है जिसके बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं उसका लिंक यहाँ पर डाल रही हूँ, आप एक बार उस रेसिपी को जरूर चेक करें। ये लड्डू आप घर में सभी को दे सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग, नई माएं और जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो भी इसे खा सकते हैं। आप इसे जरूर बनाइएगा और रोज आपको एक लड्डू खाना है। अगर आप गर्म दूध के साथ इसे ले रहे हैं तो इसके फायदे और भी बढ़ जाएंगे। थोड़े ही दिनों के बाद आपको इसके बेनिफिट्स दिखने लगेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे जरूर शेयर करें।